नमस्कार, मैं डॉक्टर मंजू भार्गवी लैंग्वेज ट्यूटोरियल में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज हम लोग नामवर सिंह जी द्वारा लिखित गपशप गद्य का सारांश जानेंगे। लेखक अपने मित्र से मिलकर वापस आते हैं तो पूरे दिन की उपलब्धियों पर विचार करने लगते हैं। उनको लगा कि शून्य भी हाथ नहीं लगा, सारा दिन बेकार गया इधर उधर की गपशप में। उनके मित्र वा के बारे में विचार करते हैं कि वे तो गप्पे हांकने में आला, सभी बातें इस तरह करते हैं जैसे वह उन सब का नायक हो, जैसे संसार की सभी लड़कियां उसी पर मरती हैं। 10% सच्चाई पर 90% का नुमाफा। दूसरा मित्र माँ के बारे में विचार करते हैं कि उसकी जैसी दुनिया में कोई नहीं है जैसे वह ना जानता हो, गरज की वह साधारण लोगों पर यदि कभी कृपा करने आता है तो केवल हम ही लोगों पर। तीसरा मित्र पर विचार करते हैं कि माँ हमेशा अध्यापक की जीवन की बातें रटेंगे, मतलब दुनिया भर उनके लिए पाठशाला है और सभी लोग उनके विद्यार्थी। लेखक का मन इतना भारी था कि कभी ऐसी गोष्ठी में भाग ना लेने की प्रतिज्ञा करे, पर बाद में लगा कि बेकार की बातों से ही तो किसी का चरित्र खुलता है, नियमित और विवेकपूर्ण बातों से तो उसका बनावटी या ऊपरी रूप दिखाई पड़ता है, काम की बातों से काम का पता चलता है आदमी का नहीं। बात तो बात, निरर्थक शब्द भी बेकार नहीं होते। काम के लिए पत्र तो सब लिखते हैं, निष्प्रयोजक पत्र का कोई उत्तर भी नहीं हो सकता, लेकिन देखता हूं तो ऐसे प्रश्नमीन पत्रों के उत्तर की प्रतीक्षा बड़ी बेकरारी से की जाती है। ऐसी ही बेकरार पत्रों से आदमी उतरता है, आदमी खिलता है, आदमी खुलता है। भूमिति की सार्थक रेखा ये बहुत खींची जाती है। ओवरसियर और इंजीनियर लोग कई मकान बनाने से पहले उसका रेखा गणित बना लेते हैं। यह है सदुद्देश्य और सप्रयोजन। अगर वही व्यक्तियों का दिमाग मन खाली हुए समय अर्थहीन रेखाएं खींचते हैं, सार्थक रेखाएं या तो त्रिभुज बनाएगी या किसी मकान अथवा पुल का मंडल, आदमी नहीं। नियमों की सीमा से चलते हुए आदमी नहीं पहचाना जाता, नियमों को तोड़ने अथवा उनकी सीमा समाप्त होने पर पहचाना जाता है। आदमी अपने फुटकर और निष्प्रयोजन योजनाहीन आकस्मिक व्यय से पहचाना जाता है। बहुत से लोग टाइम टेबल बनाकर काम करते हैं पर उससे उनकी नियमितता के सिवा कुछ नहीं मालूम होता। खुलते हैं वे उस समय जब अपने टाइम टेबल का बंधन तोड़ते हैं। बेकार घूमने वाले आदमी ही किसी समाज की व्यवस्था का सच्चा हाल प्रकट करते हैं। इन गपशप के साथ ही गद्य की समाप्ति होती है। धन्यवाद।